हाय, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक। अब इस टेक्निक से आप जो जीएस का स्कोर है मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में, उसको कम से कम डबल कर सकते हैं सिर्फ 6 से 8 हफ्ते में। तो अभी प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस टेक्निक को अभी से यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपका जो मेंस का स्कोर है ना, वो इतना हाई हो जाएगा कि कोई चांस ही नहीं रहे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। और ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये दिमाग को ट्रेन करने का एक तरीका है। और जब इस तरीके से दिमाग को ट्रेन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो नॉलेज एक्वायर होती है, जो ज्ञान अर्जित होता है, वो उस तरीके का होता है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में चाहिए होता है। तो क्या होता है कि हमारा ज्ञान वैसा है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और हमारा स्कोर हाई हो जाता है। तो आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या है। और इसके लिए मैंने एक रोज के न्यूज़पेपर से एक खबर निकाली है और उसी खबर को लेकर के मैं ये पूरी तकनीक समझाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक। ये न्यूज़ आइटम कहता है, पेड़ लगाओ लखनऊ बचाओ। हम किस तरह इस खबर को अपनी इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक का टॉपिक बना सकते हैं और किस तरह अपना स्कोर डबल तक कर सकते हैं, आइए देखें। आप कोई भी न्यूज़ आइटम लीजिए, उसका इन्वर्टेड पिरामिड आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस टॉपिक या खबर से जुड़े 5 सवाल तलाश करिए। मैंने बहुत सिंपल सवाल लिए हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी क्यों है, स्थिति इतनी ख़राब क्यों है, इस समस्या का कारण क्या है और देश के किस हिस्से में ये ज़्यादा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। अब आप सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करिए। जवाब सिर्फ किताबों में नहीं और जरियों से भी ढूंढिए, क्योंकि हमें चाहिए ब्रॉड नॉलेज। हमें एक नैरो नॉलेज नहीं चाहिए कि टॉपिक की किताब पकड़ी और बस उसमें से इनके जवाब ढूंढे और ख़त्म किया। नहीं, अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो जरिए होते हैं जिससे कि अगर आप जवाब ढूंढेंगे तो वो आपके पेपर्स में एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे कि अखबार और मैगज़ीन्स, लोगों से बातचीत करना और डिस्कशन सुनना। आप वीडियो सुन सकते हैं, आप टॉक सुन सकते हैं, आप लोगों के विचार सुन सकते हैं उस टॉपिक पे। फिर रिसर्च, आपने 5 सवाल तो यहाँ पे नोट किए, लेकिन और सारे सवाल आपके जहन में आते जाएंगे और उसके लिए आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जा सकते हैं और तरह तरह की रिसर्च कर सकते हैं। फिर ऑफकोर्स इस विषय की जो खास किताबें हैं वो भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान को सिर्फ किताबों तक नहीं रखेंगे, हमारा ज्ञान अर्जित करने का तरीका क्या होगा, इस इशू या विषय के प्रति क्यूरोसिटी या जिज्ञासा, और फिर एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन का ढांचा बनाना अपने सवालों के जरिए और फिर ज्ञान अर्जित करना, ना कि उल्टा कि पहले आपने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया फिर ढांचा बनाना शुरू किया। अच्छा, अब इस टेक्निक से क्या होता है कि 3 तरह के दिमाग में हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज स्टोर होती है। इंटेलिजेंट दिमाग, जो कि याद रखता है, क्रिएटिव दिमाग, जो कि इस बारे में और जानना चाहता है, और अचेतन मन या सबकॉन्शियस दिमाग, जो कि अपने अंदर स्टोर रखता है, आपको रोज़ याद नहीं आता लेकिन जब एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है तो ये सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को बाहर निकाल के लाता है। अब ये सारा ज्ञान इस तरह इकट्ठा करने के बाद हम बनाते हैं अपना कॉन्सेप्ट और परिभाषा, ना कि उल्टा कि कॉन्सेप्ट उठाया और उस पर ज्ञान इकट्ठा कर लिया। इससे क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है, परिभाषा हमारी होती है और हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम भूलते भी नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक का। अब आते हैं कि स्पेसिफिकली इस तकनीक के क्या फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आपका ज्ञान होता है ना, वो करंट अफेयर्स या करंट मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम का फॉर्मेट ऐसा है कि वो इसी तरह के सवाल फ्रेम करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट कितना अलर्ट है कि उसके अराउंड क्या हो रहा है और उसके बारे में वो क्या सोचता है, कितनी जानकारी है उसको। और दूसरा फ़ायदा होता है कि जब आप जवाब के बारे में 100% श्योर नहीं है तो वहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आप इंटेलिजेंट गेस कर पाते हैं, जो कि 90 से 95% टाइम सही होता है। तो दो लेवल्स पे आपकी स्कोरिंग हाई हो जाती है, एक तो आपका ज्ञान ज़्यादा हो जाता है और एक आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग होती है। कैसी लगी मेरी ये टेक्निक और कैसा लगा ये वीडियो, इस टेक्निक को यूज़ करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो आपको यूपीएससी मेंस की तैयारी करने में मदद करेंगे मैं डालती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं हूँ अनुपमा और मैं कह रही हूँ बाय बाय।